अल्ट्राटेक सीमेंट में एक ग्रीन बैंड है, प्लस आज मॉर्निंग में ओपन होकर यहाँ पे ग्रीन रेड डॉट भी आ गए। तो आइडिया इसमें ये रहेगा कि इफ इट इज ब्रेकिंग, यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर रहा है, और यहाँ से फिर से अगर ये ग्रीन बैंड ब्रेक करता है एंड डीएस के नीचे सस्टेन करता है, ग्रीन बैंड ब्रेक करके डीएस के नीचे सस्टेन करता है, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा हम सेल ट्रेड ले सकते हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा मैक्स पेन एंड डीएटीआर लेवल। तो यहाँ पे एंट्री करते समय हमें देखना है कि यहाँ पे अच्छी एक बियरिश कैंडल होनी चाहिए, रेड कैंडल, या फिर कोई स्पाइक कैंडल होनी चाहिए, राइट? और इस तरह का कंसोलिडेशन उसमें क्रिएट करना चाहिए। So this clip was derived from our today's live red green band analysis session, which was exclusively for the premium members. So let us check how Ultra Semco performed today. तो चलिए देखते हैं, हमने यहाँ पे अल्ट्रा सीमेंट का चार्ट ओपन किया है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे। सो जैसे कि आप देख सकते हो, प्रायर डे ऑलमोस्ट एक साइडवाइज जोन में था, उसके बाद देख आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन बैंड पे आ जाता है। सेम वे जैसे हमने एनालिसिस में एक्सप्लेन किया कि जब भी प्राइजेस ग्रीन बैंड के नीचे ब्रेक डाउन होती है तो हम बेसिकली सेल ट्रेड के लिए प्लान करते हैं। नो डाउट ये ग्रीन बैंड आपको ये दर्शाता है कि बेसिकली ये एक बाइंग जोन है। यहाँ पे अगर ये बायर्स ट्रैप हो जाते हैं, नो डाउट इनका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ये फॉलो थ्रू हमें एक सेलिंग जर्नी देखने मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखोगे तो ग्रीन बैंड के नीचे एक स्लाइट, यहाँ पे आप देख सकते हो एक रेंज बन चुकी है जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे टेस्ट करिए ग्रीन बैंड को, और जब फ्रेश ब्रेकडाउन होता है तो हमें एक फॉलो थ्रू सेलिंग मिल जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप अल्ट्रा सेम को चार्ट में देखोगे तो इसकी जो रिस्क थी बहुत स्मॉल थी, सो स्मॉल रिस्क पे आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिल जाता है। ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स के रिस्क पे आपको 50 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिल जाता है। सो ऑलमोस्ट 1:2 ट्रेड इज डन इन दिस फेवर। सो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप देखोगे तो ये पर्टिकुलर जोन में आपको डबल कंसेप्ट भी मिल जाते हैं, जो कि आपका जो ग्रीन डॉट्स और रेड डॉट्स का कंसेप्ट है जिसपे हम ट्रेड करते हैं यूजुअली। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ग्रीन डॉट्स आ जाते हैं, नो डाउट ग्रीन डॉट्स जैसे आते हैं तो हम पता है हमें कि हम एक रेंज फॉर्मेट में ट्रेड करते हैं। नो डाउट ये अगर आप देखोगे तो रेंज बन जाता है और फॉलो थ्रू हमें एक बाइंग भी मिल जाती है। सो ये एक ऐसा ट्रेड था जो कि एक टू वे ट्रेड था, जहाँ पे आपको ग्रीन डॉट्स के अनुसार भी ट्रेड मिल जाते हैं और नो डाउट आपको एक ग्रीन बैंड ब्रेकडाउन के अनुसार भी ट्रेड मिल जाता है। सो ऐसे प्रॉपर लॉजिकल ट्रेड्स के लिए डू कनेक्ट विद अ प्रीमियम ग्रुप फॉर द लाइव सेशन एंड स्टे कनेक्टेड ऑन आर यूट्यूब चैनल फॉर रेगुलर एजुकेशनल कंटेंट। थैंक यू।